जैसे आपने लास्ट स्लाइड में बताया आरएसएस का सेल्फ सैक्रिफाइस नेचर, सारे कार्यकर्ताओं की बिल्कुल फ्रूगली रहना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, ये तो बिल्कुल दिखता है, एविडेंट है हर जगह। लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल नेटवर्क एकल विद्यालय, 54,000 स्कूल, 80,000 क्या है कि अलग चलाते हैं, उसके अंदर कोई वीएचपी के होंगे, कुछ संघ के होंगे, कुछ एकल फाउंडेशन के होंगे, कहीं ने पकड़ लिया मतलब ये टॉपिक, तो अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आरएसएस की रीच और नेशनलिज्म के लिए, भारत के लिए काम करना, मगर डाउट ये आता है कि जैसे आपने बताया कि सारी रिलीजियस जो सोसाइटीज हैं, दूसरे रिलीजन्स भारत में, उनको इंडियनाइज करने की कोशिश। अब सेमिटिक रिलीजन्स इटसेल्फ आर जनरली इनटॉलरेंट इन नेचर, आपने अभी यही बात कही, उसके साथ अपोलोजेटिक क्यों होंगे? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा या क्या है वो क्यों चलाएंगे? उनको स्वदेशी मुस्लिम, सी द कोर वैल्यूज आर डिफरेंट, जब कोर वैल्यूज अपोजिंग है तो आप कैसे इंडियनाइज कर देंगे विदाउट ट्रू घर वापसी या रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म? देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी कंपेयर टू व्हाट गुरुजी हैज सीन और सुदर्शन जी सॉ, हु सैट विद मेनी बिग स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, बट आई मेट मेनी मुस्लिम्स हु जेन्युइनली आर वेरी नेशनलिस्ट, हु आर वेरी मॉडर्न, ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्मॉल माइनॉरिटी। इफ यू लुक एट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आई थिंक द स्ट्रेंथ इज अबाउट 10,000, बट इन द 10,000 दे कुड कलेक्ट अ सिग्नेचर ऑफ 1 million पीपल फॉर अबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक, दे गॉट इट फॉर रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन। So this, see, it is very difficult for these people to come out in a society which is so tightly knit, and chances of their being excommunicated or thrown out of their community is very high. So what kind of support are we giving these people who want to do something different from the way we look at Semitic religions? Ultimately, there are people, very openly say that apart from Quran, there is no world of revelation, Sharia is not revelation, Hadith is not revelation, and these need to be dropped from the holy, treated as holy cow. And we need to be very clear that there are certain parts of Quran which are now not time bound, which are out of context now. For kind of jihad we talk about, or you know, treating women they talk about, that was during Medina days that Muhammad picked up that those kind of surahs. So these need to be very clearly said, they are no more relevant. Not many brave Muslims can say this, but there is a small number of people, or slowly increasing number, who want to take their stand, who very openly are very nationalists, who believe that Bharat is their country and it is not somewhere in Arabic countries. So what do we do them? We give them some moral support or not? We allow them to grow or not? We keep on treating them as some untouchable or not part of India? Ultimately, there are 16 crore Muslims. So if you don't give strength to... घर वापसी क्यों नहीं करते? Why don't we encourage them to all country? आप देखें मैं जरा बात, एक कोई घर वापसी का किस्सा हुआ 4 साल पहले, हल्ला मच गया। I was very unapologetic about घर वापसी because they are from, as I talked about indigenous faith movement, it was not apologetic. We just gave strength to those people to think about their own roots, strengthen their roots. Similarly, when the Muslims of India realize that this has, we have taken that way of worship, but ultimately we belong to this country. If this voice strengthens slowly, then people will turn around. It will take time, but we cannot blindly close to eyes of people who want to move out of this particular thought. मैं स्वदेशी आप सोच सकते ट्रिपल तलाक को इतना सपोर्ट मिलेगा, सोच नहीं सकते थे मिला। मुस्लिम महिलाएं और पुरुष खड़े रहे जो आज से 10 साल पहले खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते। सो पीपल आर चेंजिंग, एंड एज यू गो स्ट्रॉन्ग पीपल विल कम टू यू। इट इज़ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके खुद को सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है तो बाकी लोग आपके साथ आ जाएंगे। आप ही वीक है तो कौन पूछेगा? दिस इज स्टोरी ऑफ यू नो पीपल एग्जिबिटिंग कबड्डी इन जापान ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस डेज, एंड दे सेट गेम तो बड़ी अच्छी है बट हम नहीं खेलेंगे, गुलामों के खेल है, जो अपने देश को नहीं बचा सके हम क्यों खेलेंगे? सो वेन वी आर स्ट्रॉन्ग देन अदर कम्युनिटीज विल feel happy to come with you. Sure, but ये संगठन कब तक चलता रहेगा? क्योंकि demographic change का pace अभी इतना है कि हिंदुओं का replacement rate is falling below the right. replacement rate, right. basically 2.1 के below. In 2 years we'll probably be 1.9. See, family planning RSS के हाथ में नहीं है, बिल्कुल right? Family planning जरूरी है। एक जगह ऐसा हो कि शायद हरियाणा में कैंपे में कहा गया कि 2 बच्चे से ज़्यादा जो होगा उसको खड़ा नहीं रह सकता इलेक्शन में, अगर आप मैट्रिक नहीं तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, कोर्ट ने उसको वो लॉ को गिरा दिया। अनलेस वी टेक अप सच स्टेप्स
it will not happen. Actually, so you will see disaster, there is no doubt, unless we take such stern steps which are not against any community but which are good for the country. We will have to take those steps, but those steps have been taken by some government which is strong-willed and ready to take it. Like it was done in case of triple talaq, it was done in case of election only allowed for certain kind of people. That is necessary, we can't really deny that. So, agar main wapas swadeshi Muslims pe aata hu, agar hadith ko aur sabko drop bhi kar diya jaye, sharia ko, matlab Quran is about 14% of overall sharia. So, Quran itself has... wo khud kehte hain, vidwan kehte hain, main naam nahi lunga. मैंने किताबें पढ़ी उनकी कि इसमें बहुत सारा पार्ट आ जो रेलेवेंट नहीं है, जो उस समय कुरान में जो कुछ मोहम्मद ने समय कहा, हमें प्रॉफेट ने कहा कि भाई इस तरह से ट्रीट करो महिलाओं को, इस तरह से लड़ाओ तो उसको गुलाम बनाओ, आज वो रेलेवेंट नहीं है. उस समय किरकुर लड़ाइयां थी, रेलेवेंट को छोड़ देते हैं, मगर द आइडिया ऑफ गॉड इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल अल्लाह, यू एंड आई आर एब्सोल्युटली बाउंड टू बर्न इन हेल फॉरएवर. तो हाउ डू यू इवन रिकंसाइल, एक तरफ हम अद्वैत की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतना बिगॉटेड आइडिया ऑफ गॉड है कि बस जो नॉन मुस्लिम्स हैं, व्हिच इज यू नो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विल ऑल बर्न इन. देखिए, मैंने यही सॉल्यूशन बताया कि जब देखिए जब तक हमारा धर्म स्ट्रांग नहीं होता, जब तक हमारी सोसाइटी स्ट्रांग नहीं है, हमारी कोई नहीं सुनेगा. जब हमारी सोसाइटी स्ट्रांग होगी, हमारे धर्म स्ट्रांग होगा, तो बाकी लोग सोचेंगे. तो अभी वो नहीं सोचते, उसका तो इलाज नहीं है ना. आप क्या करेंगे, तलवार लेके जाएंगे? नहीं हो सकता. यहाँ तो उल्टा होता है, उनका विचार ही बदलना पड़ेगा ना. बट यहाँ तो उल्टा होता है, जैसे एक वीडियो, अगर यह विचार लेने वाले खड़े हो गए हैं, हाँ जी, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, कि जो मानते हैं कि लिबरल मुस्लिम भी लिबरल हो सकता है, वो भी ऐसा सोच सकता है कि ये कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो ये चेंज तो आ रहा है ना. अभी जब ये लड़ाई वहां तक आएगी, हो सकता है मुस्लिम समाज में लड़ मर के टूट जाए और आपस में ही उनको लगे कि रास्ता सही नहीं है, उनको ही करना पड़ेगा ना. आप इस्लाम के अंदर घुस के तो इस्लाम का रिफॉर्म आप नहीं कर सकते, वो तो उनको ही करना पड़ेगा. जब आसपास की सोसाइटी सजग होगी, जब उनको पता चलेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, अब शिया सुन्नी की लड़ाई कहाँ तक जाएगी, वी डोंट नो. तो इसको ओपनली क्यों नहीं बात करी जाए? करने वाले करते हैं ना. मैं तो हिंदू समाज को संगठित कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज के संगठन का जिम्मा मेरा नहीं है, उनका सुधारने का जिम्मा मेरा नहीं है. मैं तो उनको सपोर्ट कर सकता हूँ जो सुधारना चाहते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, मैं उनको सुधारने का जिम्मा तो उनको ही लेना पड़ेगा ना. हिंदू समाज जब जब सुधरा है, हमारे ही सुधारकों ने सुधारा है, सरकारों ने ही सुधारा है. बिल्कुल सही बात. तो वही उनका भी यही होगा, मतलब खुद से आपको लगता है अंदर हम उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है. जैसे मैंने कहा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इज वन ऑफ द वे टू ओपन द डायलॉग. और क्या इफ यू डोंट इवन टॉक टू देम, अगर यही है कि मुस्लिम हिंदू तो हुआ ही है और आरएसएस की कार्यालय में आएंगे तो क्या होगा, मार डालेंगे हमको. यहाँ से शुरुआत थी, क्या आपने तुमको आरएसएस कार्यालय में आने दिया, आपने हमको यहाँ पर नमाज पढ़ने दी, आप हमारे यहाँ पर आए. एक चर्च के पादरी ने बोला मिलना है, तो सुदर्शन जी वाला मिलेंगे, फिर बोले नहीं नहीं हमारे चर्च में आओ. सुदर्शन जी गए चर्च में, ही वाज सरप्राइज्ड. आरएसएस के वजह से हुआ है कि आरएसएस बेसिकली तो राक्षस है, सबको खा जाएगा, और जो मिलता जानता है गलत है. तो अपना सही रूप दिखाना है, अपना स्ट्रांग रूप दिखाना है, और जो उनको बदलना है उनको ही बदलना पड़ेगा. उनको लगेगा कि हाँ बाकी समाज हमारे साथ खड़ा है तो अच्छा मुसलमान भी खड़ा होगा, उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल उलट अगर ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि देखिए, अभी हमारा अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा का पूरा देखें, एक आरएसएस का स्टैंड है कि 1947 में जब आज़ादी हुई हमारी तो एकदम डार्केस्ट डे था. अगर नहीं होता पार्टीशन तो आज 50% से ऊपर भारत मुसलमान होता. क्या वो भारत देखने के लिए हम रेडी थे? मतलब आर सिविलाइजेशन वुड बी वाइप्ड आउट. सो एक पूरी की पूरी ऑल्टरनेट थियरी है कि बहुत अच्छा था, कटु सत्य ये था. और 42 के अंदर हिंदू सोसाइटी की बड़ी मरियल है, हिंदू सोसाइटी में स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए सावरकर ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर में हिंदुओं ने जाना चाहिए, मिलिटराइज होना चाहिए. दैट इज द रीजन कि अनलेस तो आपका पुरुष जागता, आप कैसे समाज के लिए खड़े रहोगे. जैसे गांधी जी ने कहा था कि सारे भारत का समाज समझ के मैंने नॉन वायलेंस चुना था, तो ये रियलाइज कि हिंदू लोग इसी तरह के मार्ग को चुनेंगे, ये सारा समाज ऐसा इसलिए चुना. लेकिन सावरकर उसके विरुद्ध, उन्होंने कहा था नहीं, इनका पुरुष जगाना है, रेवोल्यूशन उन्होंने कहा पुरुष जगाना है. तो पता नहीं क्या होता, लेकिन हर बार आप कितना हिस्सा छोड़ेंगे. अब कश्मीर छोड़ने को तैयार है, बोलते कोई बात नहीं जाने दो. नॉर्थ ईस्ट लगभग गया था बीजेपी आने से पहले, अभी भी वैसा ही स्टेट होने वाला है. आसाम में, बंगाल में, केरल में, अभी तो केरल के मुसलमान नॉर्थ केरला में अलग स्टेट मांग शुरू हो गई है. मैंने पीछे कहा था, किसने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, मैंने कहा लिंकन ने खून की नदियां बहने दी ना. ये अगर मान के चलते 47 में, तो शायद नजारा कुछ और होता. पर हम तो डिसाइड नहीं कर सकते. अभी क्या विचारधारा है? ये एक्सेप्टेंस है कि इतनी जो 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, उसके दूसरी तरफ 10,000 या 1,000. देखिए, अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप उनको हजम कर सकते हैं.
वो हमारे साथ आ सकते हैं, वो साथ में रह सकते हैं, अगर हम वीक हैं तो वो कुरान के हिसाब से चलेंगे। तो यहीं पर मेरा सवाल था कि क्यों ना हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मेजर सिटी में भारत में रिकन्वर्जन कैंप्स लगाए जाएं। अब आप मानेंगे नहीं, उज्जैन में 2-3 साल पहले सिंहस्थ या महाकालेश्वर मंदिर से 100 मीटर पे दूर इस्लामिक दर्शन केंद्र लगाया हुआ था, और हम इतने अपोलोजेटिक होते हैं, एक कोई मुझे दिखा दीजिए कहीं पर कोई कैंप लगाओ जिसपे लिखा हो घर वापसी कार्यक्रम, कहीं लगता ही नहीं है। वो लगता है तो मीडिया में जरा सा हवा मचता है और सब अपोलोजेटिक। आपको मैं इधर बात बताता हूँ, बहुत लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में, और इसके लिए भी ये सवाल कौन करता है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सवाल कौन करता है? आरएसएस का क्रिटिक करता है, हिंदू करता है, मुस्लिम नहीं करता। जी, मेवात के कितने मुस्लिम हिंदू बन गए? हाँ, सैकड़ों की तादाद में बने जी। जब नर्मदा कुंभ हुआ, नर्मदा कुंभ के अंदर खाली उनको हनुमान के लॉकेट बांटे गए, कुछ नहीं कहा गया, सारे हिंदू बन गए। वो तो है ही ना हिंदू, पैदाइशी हिंदू, मूड़ा जाट बोलते हैं जैसे। हाँ, तो वो तो पैदाइशी हिंदू है, उनको तो खाली आपने बता दिया आपका धर्म जाग गया, आपको कुछ करने की जरूरत। इतने ज्यादा इस्लामाइज हो चुके हैं पिछले 10-12 सालों में कि आपको जो पहले राम राम भी बोलते थे या बुरका नहीं पहनते थे, नॉर्मल जाट गुजर जैसे जो पहनावा है वही होता था, अब सब बुरके और वही पजामा ऊपर ऐसे सब होता है। तो इतना ज्यादा फास्ट स्पीड ऑफ इस्लामाइजेशन है विद पेट्रोडॉलर्स, अगर एक काउंटर मूवमेंट नहीं होगी ऑफ रिकन्वर्जन विद अ टारगेट ऑफ से 10% हर साल हम कन्वर्ट करेंगे, आई एम नॉट श्योर हम किसकी तरफ काम कर रहे हैं, कि हम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अनदर पार्टीशन एंड ऑफ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बीइंग ब्रोकन अवे। देखिए, घर वापसी तो होगी, जैसे मैंने कहा अगर समाज आपका स्ट्रांग है तो लोग खुशी से आपके साथ आएंगे। अगर हिंदू समाज उनको जगह देता है तो लोग हिंदू समाज में आएंगे, अगर हिंदू समाज जगह नहीं देगा, जो आपस में आज भी लड़ रहा है जाति के ऊपर और पंथ के ऊपर, तो कहाँ से जगह देगा? तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि हम तो करेंगे ऐसे और 10-12 साल निकाल। ये भी तो हो सकते हैं वहाब अपने आप का अंत करें, ये नहीं हो सकता। आप सोचते हैं कि वहाब जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में आज सऊदी अरेबिया धीरे धीरे अपना हाथ खींच रहा है वहाबिज्म से। मैं सऊदी अरेबिया गया था, वहां के लोगों ने बताया कि रिलीजियस पुलिस बंद हो गई है, और आज वहां के प्रिंस को वहाबियों से ज्यादा डर है रादर नॉर्मल मुस्लिम्स। तो समाज को तो जागना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। समाज जागेगा तो परावर्तन अपने आप होगा, पुनर्घर वापसी अपने आप होगी। प्रोग्राम बना के कुछ फोर्सफुली करने जाओगे तो कन्वर्जन नहीं होना ना, और कन्वर्जन एक साथ ही होगा। अगर सारा गांव मुस्लिम से हिंदू बनता तो बनेगा, एक बनेगा तो कहां जाएगा? वो इन्विटेशन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कैसे बोल दूं नहीं कर रहे? अगर मैं कह रहा हूं कि नर्मदा कुंभ के अंदर सैकड़ों हजारों वहां के वनवासी लोग थे, आराम से हिंदू बन गए जस्ट बाय वेयरिंग हनुमान का लॉकेट। हर स्तर पे अलग अलग काम चल रहा है, लेकिन आप कहें कि हाई पब्लिसिटी से करने वाला काम नहीं है, सेंसिटिव काम है, जो कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो कन्वर्ट हो रहे हैं हो रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है, एक विचार है कई मुस्लिम्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स हू रीकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, ऐसा एक विचार आता है कि बार बार ये एक सवाल ये आता है कि वापस कौन सी जाति में। तो आरएसएस ने, मैंने सुना है कि पूरा का पूरा एक रिसर्च करी हुई है कि कौन सी जातियां कहां से कन्वर्ट हुई थी। फॉर एग्जांपल त्यागी कौन से थे जो कन्वर्ट हुए थे, जाट कहां कन्वर्ट हुए थे, उनकी बैकग्राउंड क्या है। अभी मुझे एक ओला ड्राइवर मिला, बहुत चौड़ी बॉडी और ऐसे था, एकदम जाट या गुजर लग रहा था। तो मैंने पूछा कि आप मुसलमान हैं, पहले के कहां के हैं? तो उन्होंने कहा त्यागी हैं। तो सबको पता है ज्यादातर, सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू। देखिए, होगा ये समय के अनुसार होगा। मैं बार बार, अगर हिंदू समाज संगठित होगा तो लोग अपने हमारे पास आएंगे। कमजोर समाज को कोई नहीं पूछता, मोटी सी बात यह है। समृद्ध समाज को पूछते हैं, गरीब समाज को कोई नहीं पूछता। गरीब आदमी की कोई भी उपदेश कोई नहीं सुनता। ओशो कहते थे कि जितने भी महान सारे जो भगवान होकर गए, वो सारे बड़े बड़े घरानों से थे। महाराजा थे, क्षत्रिय थे, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, केवल जीसस छोड़ के, या मोहम्मद साहब बाद में उसने भी अच्छी खलीजा शादी कर ली, क्या उनका नाम था उनकी पत्नी का। तो जब तक आपके पास है समृद्धि और उसको छोड़ के आप जो बात करते हो लोग सुनते हैं। मैं फक्कड़ आदमी बोलूँ, सब कुछ फकड़ी में है और पैसे में कुछ नहीं रखा, कौन सुनने वाला है? तो जब आपका समाज समृद्ध होगा तो आपकी बात सुनेंगे। आज लोग कबड्डी खेलने को तैयार है, आज लोग भारत में आने को तैयार है, आज काशी में जाने को तैयार है, कौन जाता था? आज कुंभ मेले के अंदर हमारा हिंदू समाज आके सेल्फी खींचता है, तरुण लोग जाते हैं, यंग लोग जाते हैं, पहले कोई जाता था? तो जैसे आपका माइंडसेट चेंज होगा, जैसे आपका समाज कॉन्फिडेंट होगा, तो ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। आप सोचते हैं कि नहीं, मुसलमान को पकड़ के कुछ कर लो, नहीं होगा। मुस्लिम को अंदर से सुधरना पड़ेगा, जो सुधरना चाहता है उसका आप केवल मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, जो वापस आना चाहता है उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको आप जगह बता सकते हैं। अगर सपोज किसी रूम में कोई 4-5 मुस्लिम हो, कहां जाए? हर जगह होगा ना, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ। हर जगह कोई ना कोई लोकल बॉडीज है, कहीं आर्य समाज की बॉडी होगी, सिर्फ आर्य समाज ही दिखता है, और कहीं पर हिंदू परिषद की बॉडी होगी, कहीं कोई और होगा, कहीं कोई ब्रह्मो समाज होगा, सब जगह लोग अलग तरह के लोग बैठे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली डिफिकल्टी ये है कि
आरएसएस जैसा संगठन पूरे देश में किसी का नहीं है और बिना आरएसएस के इस स्केल पे अगर कोई भी इमेजिन भी करे तो शायद ही कोई किसी की क्षमता भी है कि लार्ज स्केल कोई कन्वर्जन कर सके इफ आरएसएस इज नॉट बिहाइंड. तो यही दिक्कत है, समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे होगा. आरएसएस के बारे में लोगों को दिक्कत ये है, गोड से छोड़ के गए आरएसएस, उसको बड़ा लगा ढीली है, कुछ करती नहीं है. बजरंग बाद में शिव सैनिक निकले, बोले आरएसएस वाले में दम नहीं है, ये समझ के लोग निकले. आरएसएस का जो नेचर है वो हिंदू समाज का नेचर है. हिंदू समाज कभी एक्सट्रीम दिशा में जा नहीं सकता, एक्सट्रीम स्टेप ले नहीं सकता. हिंदू समाज को इसी तरह से धीरे धीरे अपने साथ लाना पड़ता है, उसका इनेट नेचर है. राम जन्मभूमि का आंदोलन एक एक्सेप्शन था और उसके अंदर बहुत कुछ हिंदू समाज के सोचे फर्क आया, लेकिन अब जो क्रांतिकारी परिवर्तन हिंदू समाज में आएगा वो नहीं होना. ये इनेट जो अंडरस्टैंडिंग जो संघ की है, इसके कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि संघ स्लो चल रहा है, संघ दिशा में कुछ नहीं कर रहा. संघ के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको प्रोपेगेंडा करके बोर्ड लगा के बोलेंगे आ जाओ जी आ जाओ, कुछ आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो तो हो नहीं सकता ना. ठीक है. तो एक आपने अपनी टॉक के थ्रू बताया था कि हम हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते, यहाँ किसी का और वैसा ही सवाल है कि एक क्यों नहीं करते और कि व्हाट आर वैल्यू सिस्टम्स ऑफ सनातन धर्म जो आप अपहोल्ड करते हैं. देखिए कुछ मैंने स्लाइड्स के अंदर बताया था, कुछ कॉमन वैल्यूज है सनातन धर्म की जिसके अंदर हम ब्रॉडली उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. हम इस समय जैसे मैंने कहा था कि संघ पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो रिलीजियस लिबरेशन या मुक्ति और इस तरह की बिना किसी तरह के एश्योरेंस दिए आपको समाज के लिए काम करने के लिए कहता है, समाज के सुधार के लिए कहता है. समाज के इश्यूज जो है वो रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है, ना तो कास्टिज्म रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ना आपकी अनटचेबिलिटी रिलीजन से जुड़ी है, ना आपकी गरीबी रिलीजन से जुड़ी हुई है. सारी की सारी चीज़ें हमारी राष्ट्र की थिंकिंग से जुड़ी हुई हैं. हमारा कल्चर रिच है, हमारा कल्चर जो है बियॉन्ड केवल रिलीजियोसिटी या वे ऑफ वर्शिप से है. वो सारे क्वालिटीज़ को बढ़ाना है, हमारे एकता के जो सूत्र हैं उनको बढ़ाना है, हमारे डिफ्रेंसेस के सूत्र को आगे लेके नहीं जाना. तो वी हैव टू फाइंड वेज वेयर द डाइवर्सिटीज डाइवर्स एलिमेंट्स आर सीन एज यूनिफाइंग फैक्टर्स. विभिन्नता में एकता नहीं है, हम एकता में विभिन्नता को देखते हैं और अलग तरह से मैनिफेस्ट करते हैं. एक ही त्यौहार को चार तरह से मैनिफेस्ट करते हैं. तो अगर आप उसको चाहे स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हो, चाहे वो अरविंदो आश्रम हो, अगर हम उसके मुक्ति से जोड़ते हैं तो समाज का सुधार नहीं हो सकता. उस वे दैट यू आर गोइंग टू गेट नथिंग. आपको कर्म करना है, आपका कर्मयोग है और आपको ये समाज को भारत माता को देवी मान के, समाज को देवात मान के इनको काम करना है. वो काम होगा तो वो काम लॉन्ग लास्टिंग जो हम कर रहे हैं वो होगा. रिलीजन का जो है उसके अंदर सेल्फिश बात आ जाती है, उसके अंदर आपकी मुक्ति की बात आती है, आपके स्वभाव की बात आती है. धर्म का तो रक्षण कर ही रहे हैं ना, राम मंदिर का प्रोसेस चलाया, मंदिरों के अंदर जाके प्रोसेस चलाया, हर जगह खड़े रहे, जहाँ जहाँ तकलीफ हुई खड़े रहे, चाहे वो जो भी हो. तो हिंदू धर्म का रक्षण तो होगा अगर समाज मजबूत होगा. तो समाज को मजबूत करना, समाज को समृद्ध करना, उसके अंदर धर्म का रक्षण अपने आप होगा. अगर हमारे को समाज की समझ ही नहीं है, हमको समाज की समस्याओं की समझ नहीं है, मंदिर को कहाँ से संभालेंगे. हम मंदिर को संभालने की बातें करते हैं, मंदिर का ओनरशिप होना चाहिए. मंदिर जो प्राइवेटली ओन है उनका हाल क्या है. वैष्णो देवी टेक ओवर क्या हुआ, सबसे घटिया जो थी वहां की अरेंजमेंट वहां के लोग ही कर रहे थे ना. सो आरएसएस का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि मंदिरों को गवर्नमेंट के पास. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने समाज ने धर्म के या एक पंथ के नाम पे जो कुछ किया उसके कारण समाज का उद्धार नहीं हो सकता. मगर ये तो हर समाज की दिक्कत है. मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिरों का कंट्रोल हिंदू का होना चाहिए, लेकिन हिंदू की कॉन्शियसनेस लेवल लानी पड़ेगी. मगर अगर आप हिंदू की कॉन्शियसनेस लेवल लाते हैं कि वो बियॉन्ड सेल्फिश सोचता है तो मंदिरों का देखभाल अच्छी तरह करेगा. रतन जी ये तो शायद पॉसिबल नहीं होगा. ये तो अगर लीगल फ्रेम ऑफ कंपनी में, अगर मैं चलाता हूँ कोई कंपनी तो करप्शन तो मैं भी कर सकता हूँ, मगर जो कंपनी लॉ फ्रेमवर्क है दैट इंश्योर्स दैट मैं करप्शन ना करता हूं. तो कह रहा हूं ना कि तो ऐसे ही अगर पब्लिक ट्रस्ट फ्रेमवर्क बनाया जाए. बिल्कुल नहीं, वो सब करना है. मंदिरों की एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको उदाहरण क्यों दिया, आपने कहा कि रिलीजियसिटी क्यों नहीं चाहिए. हम सारे रिलीजियस फंक्शन हमारे लोग मनाते हैं, धार्मिक है, लेकिन उस रिलीजन के नाम पे अगर दिग्विजय से भी धार्मिक है तो मुझे ऐसा धार्मिक नहीं चाहिए ना. जिसको समाज की सोच नहीं है, जिसको राष्ट्र की सोच नहीं है, वैसा धार्मिक व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए. ठीक है. हम केवल जब मंदिर में जाने की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं और हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में नहीं सोचते, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है. वो कॉन्शियसनेस हमको जगानी है. वो बाद में मंदिरों में जाना अपने आप होगा. आज तरुण जाते हैं ना मंदिर में, क्यों जाते हैं, नहीं जाते थे ना. आपके जमाने मेरे जमाने मंदिर जाना शर्म आती थी, योग करने में शर्म आती थी. हम जब स्कूल में जाते थे हम पे हंसते थे लोग शाखा में योग करते थे. आज योग करना फैशनेबल हो गया, आज मंदिर में जाना फैशनेबल है. आई एम गोइंग टू टेम्पल.
I am going to come. Here is my selfie. This is the center society which we want to invoke. Everything else will fall into place. और इसमें शायद RSS का तो बहुत ज़्यादा contribution रहा है to sustain this. एक बार ही temples पे वापस आ जाते हैं. तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे होता है. डॉक्टर एडगेवार गए शिवाजी महाराज के कोल्हापुर के पैलेस में. वहां पर एक पेंटिंग ऐसी थी कि शिवजी के गर्भ से पार्वती के गर्भ से शिवजी का शिवाजी का जन्म हो रहा है. तो उन्होंने कहा ये गलत है. उन्होंने कहा हमारी कमजोरी है कि जो अच्छा पुरुष होता है उसको हम भगवान बना देते हैं. भगवान को मनाते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी. तो भगवान है वो तो कुछ भी कर सकता है. मैं तो आदमी मैं क्या कर सकता हूँ. हमारे पंजाबी में गाना है मतलब मजाक का गाना है. चाचा दौड़ी और रे चूहिया काटने को आई. मैं चोर और लाठी दो जने मैं और चाचा कर ले. ये हमारा हाल है. तो जब तक हमको अपनी कॉन्शियसनेस नहीं आती तब तक जब हम शिवाजी को भी भगवान बनाने को तैयार है नेचुरली हम शिवाजी नहीं बनना चाहते. तो वो पौरुष जगाने का काम करेंगे तो सारी माताएं सारा तुलदा भवानी सब बचेगी. तो वो पौरुष जगाने का काम पूजा करके नहीं जलेगी. पूजा बनकर तो दिग्विजय बनेंगे ना. खाली पूजा करके राजा मानसिंह बनेंगे जयचंद बनेंगे. तो पौरुष जगाने का काम. हाँ तो मेरा जो धार्मिक जो है आधार मेरा धार्मिक राष्ट्र के साथ जोड़ना ही पड़ेगा वो हम कर रहे हैं. तो एक बार मंदिरों पे वापस आ जाते हैं. फ्रीइंग टेंपल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एक बहुत बड़ा इशू है विच इज लिंक्ड विद आर्टिकल्स 26-30. इन दोनों एरियाज में आरएसएस का स्टैंड ऑलमोस्ट ऐसा सुनने में आता है कि जब भी ये सबमिशंस गए हैं कि नहीं बहुत अच्छा है कि सरकार के कंट्रोल में है. इसमें आपका क्या. ऐसा कोई आरएसएस का बात नहीं. ऐसा कभी आरएसएस ने कहा नहीं. विश्व हिंदू परिषद ने शुरू से मंदिर बनाने के मंदिर बचाने के उसमें काम किया है. अनफॉर्चुनेटली राम मंदिर के बाद विश्व हिंदू परिषद की प्रतिमा केवल राम मंदिर बन के रह गई. लेकिन जैसे मैंने बताया विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही मठों को अपने अपने समाज को सुधारने के लिए थी. वहाँ के लोगों को बाहर निकाल के समाज में लाने की थी. वहाँ के पेजावर मठ के स्वामी बाकी सारे स्वामी निकल निकल के सड़कों पे आए समाज के साथ जुड़े समाज को सुधारने का काम किया. जातिवाद का विरोध किया ऊंच नीचता का विरोध किया. ये सारा जो हुआ वो इसी में मंदिर का सुधार भी है. अभी जहाँ जहाँ संघ अभी जलियांवाला अपना ये झंडेवाला का मंदिर है बुरा हाल था. वहाँ के संघ के संस्थागत अपने आत्म ट्रस्ट ले लिया इलेक्शन के द्वारा. अभी वहाँ का देखिए क्या बढ़िया हाल है. आपकी श्रद्धा होगी तो मंदिर अच्छे रखेंगे. मंदिर सरकार ने लेना चाहिए तो बिल्कुल स्टैंड नहीं है इसका. एक लीगल और ये नहीं होना चाहिए ये भी बिल्कुल नहीं है. तो लीगल फ्रेमवर्क बना के जैसे कंपनी होना चाहिए ना वो उस पे लीगल फ्रेमवर्क नहीं. लीगल फ्रेमवर्क तो सत्यपाल जी ने दिया जी. बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको कुछ किया. तो एक ये देखिए एक बात याद रखिए आरएसएस इज अ सेपरेट बॉडी. जो कोई मानता नहीं है बीजेपी सेपरेट बॉडी. बीजेपी आरएसएस नहीं है. आरएसएस इन्फ्लुएंस कर सकती है बियॉन्ड ए पॉइंट फोर्स नहीं कर सकती. करना भी नहीं चाहिए. बीजेपी का काम है बीजेपी करेगी. संघ केवल एडवाइस कर सकता है. संघ कह सकता है स्वदेशी धारा लागू करो स्वदेशी इकोनॉमिक्स लाओ. लेकिन अगर बीजेपी नहीं ला सकती तो उसको संघ जबरदस्ती मना नहीं सकता. संघ एडवाइस जरूर देगा उनके ही लोग हैं मानेंगे तो होगा. अभी जीएम सीट्स के ऊपर इतने टाइम से मामला अटका हुआ है. क्यों अटका हुआ है कि संघ वाले बोलते हैं गलत है. वहां लोग बैठे जो बोलते हैं जीएम सीट्स लाओ. सारी नेटेस्टर भी बैठी है. ऐसा ही बाकी चीजों में क्यों नहीं होता. टेम्पल्स में फॉर एग्जांपल अगर सत्यपाल सिंह बिल का संघ से सपोर्ट पूरा का पूरा मिल जाए प्रेशर बनेगा. नहीं आप चाहते कि संघ गवर्नमेंट चलाए. नहीं हम चाहते हैं प्रेशर तो बन जाए कम से कम संघ. आपको कैसे लगता है प्रेशर नहीं बनता. लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट कोई रेजोल्यूशन पास हो. आप बोलिए संघ का रेजोल्यूशन पास हो कि फ्री टेम्पल्स को फ्री करिए. ये रहा फ्रेमवर्क हो सकता है ना. बिल्कुल है ना. जैसे करिए प्रपोज. मैं भी प्रपोज करूंगा संकेत प्रतिनिधि सभा में. मैं बोलूंगा लाओ जी. अब जैसे हिंदू धर्माचार्य सभा हुई वहां पर राम मंदिर की बात होती रही. सबरीमाला डिस्कस नहीं हुआ. ये मुझे मैंने तो अटेंड नहीं किया बट मैं पूछ रहा था जिन लोगों ने अटेंड किया. सबरीमाला डिस्कस नहीं हुआ और ना ही फ्री गवर्नमेंट. सबरीमाला में केरल में सारा संघ परिवार लगा हुआ था. हाँ मगर ये भी एक ओपिनियन है संघ की कि ओपन होना चाहिए बिकॉज ऑफ लिबरलिज्म और वुमेन राइट्स. ऐसा है कि संघ ने हमेशा समय के साथ जहां जहां संघ के हिंदू समाज के अंदर पर रिफॉर्म्स होने चाहिए संघ ने उसको स्वीकार किया. जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल है सही. 2006 में संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता ने कहा था कि जो आप ये कह रहे हैं स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ऐसा कहीं कानून नहीं है. उन्होंने स्क्रिप्चर्स कोट किए थे और उनका ऐसा ये केस होने के पहले की बात है 2006 की बात है. और अगर ये एज लिमिट कम है तो हम उसको दोबारा क्यों नहीं लाते जिस स्क्रिप्चर्स के अनुसार है. ये बात आकर चली गई. उसके बाद में सारा सबरीमाला का केस चला सब चला. अभी जो केस चला उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट आए तो संघ पूरा सपोर्ट उसको करने लगा. वीएचपी ने सपोर्ट किया बीजेपी ने सपोर्ट किया. लेकिन समाज जो सोचता है उसका जाना भी है. लेकिन जहां जरूरत गुरुवायर में जैसे रूढ़ीवादी सोच के विरुद्ध संघ खड़ा रहा.
तो जहाँ रिफॉर्म्स लाने संघ को जहाँ खड़ा ना होता भी है, लेकिन जब ये देखा सबरीमाला की जो बात है वो पॉलिटिकल होती जा रही है और ये हिंदू समाज के विरुद्ध होते जा रहे हैं, तो संघ ने स्टैंड लिया। लेकिन नहीं कहा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उसके पीछे स्क्रिप्चर्स थे जब जिन्होंने कहा, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो कहा था, हो सकती है धारा, संघ सुझाव दे सकता है, संघ को सब सही पता, ऐसा नहीं है, संघ भी गलती कर सकता है। आफ्टरऑल जो वहाँ जब JKSC है, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर एक बना, उसने आर्टिकल 35 खोज के निकाला। उसके पहले संघ ने 1998 या कभी तो भी, जब ये उस समय स्टडी ग्रुप बताया था जिस समय सजेस्ट किया गया जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से कर दिया जाए, तीन राज्य बनाए जाए, यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, जम्मू को एक प्रोविंस बनाया जाए और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, उस समय की स्टडी में भी 35 बाहर नहीं आया था। बाद में जब बात बाहर आई तो एक प्रचारक ने सारा विषय रखा, तो सबने बोला, अरे तुमने तो बोला था ये 370 सारी बीमारी की जड़ा 35 है बोलते हो, हम क्या लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा हमने स्टडी किया, उस समय नहीं पता चला, हमारी गलती है, आज गलती सुधार रहे हैं। मगर यहाँ पर तो ये अगर रिसर्च करके कुछ आपको चीज पता चलती है जी, तो संघ है उसको रेडीनेस टू रिवाइज। बट क्या संघ में ऐसी, एंड दिस इज द अदर एक्यूजेशन अगेंस्ट द संघ, की अपनी एक इंटेलेक्चुअल टीम खड़ी नहीं करी है जो ऐसी सारी रेफॉर्मेशन प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रेजेंट करी जाए? ऐसा एग्जांपल बीजेपी के साथ भी आता है, अभी मुझे सुनने को मिला कि बीजेपी के लॉयर्स एडवाइज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 26-30 में प्रॉब्लम्स नहीं है, इट इज ऑल ऐसा है 370-35 को जितना ज्यादा रिसर्च करके संघ ने दिया है बीजेपी को जी, या समाज में डाला और किसी ने डाला नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। संघ कुछ भी कह सकता है, संघ अपना स्टैंड फियरलेस ही रख सकता है। बीजेपी के अपने पैराडाइम्स है, अपने कंपल्शंस है, या अपनी लिमिटेशन कह लो आप उस सोच के अंदर। तो जरूरी नहीं कि संघ और बीजेपी के विचार हर बार मिलेंगे, होने भी नहीं चाहिए। जिस तरह आपके मेरे विचार नहीं मिलते पर हम इकट्ठे काम कर सकते हैं, उसी तरह संघ और बीजेपी के विचार हर चीज में मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। लेबर वाले खड़े हो गए बीजेपी अगेंस्ट, यूनियन वाले, स्वदेशी वाले खड़े हो गए। संघ का इतना बड़ा परिवार है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है समाज का जिसमें संघ का काम नहीं है। इस तरह से म्यूचुअल क्लैश वाले इश्यूज आने वाले हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो हिंदू पद्धति से करना पड़ेगा, डिस्कशन से, बातचीत से रास्ते निकालने पड़ेंगे। लेकिन आप कहेंगे संघ का इंटेलेक्चुअल डेथ नहीं है, आई एम सॉरी, हो सकता नहीं है आपको ज्यादा जो संघ एक कॉमन समाज में से, इतने सुसुप्त समाज में से एकता जैसा, एकात्मता यात्रा जैसा महा अभियान खड़ा कर सकता है, जो संघ जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा एक विचार खड़ा कर सकता है, जो मतलब सारे सरकारी जोरों के बावजूद जिनका विचार नहीं चला, आज भी संघ ने जो प्रोपेगेट किया विचार है सही साबित हो रहा है, जो संघ नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति से काम करता रहा, बिना शोर मचाए करता रहा, बिना एजिटेटेड तरीके से जैसे आप चाहते हैं किया, 50 साल बाद परिवर्तन आया। जब संघ वहां गया तो वहां के लोगों ने कहा, सर आप 30 साल लेट आए हो, हम तो ऑलरेडी कन्वर्जन हो गया इतना हमारा। उसके बावजूद उसके अंदर उनको उनके तरीके से समझाते हुए और वहां प्रोसिक्यूशन सहते हुए उन्होंने वहां का चित्र बदला। तो संघ का चित्र बदलने का अपना तरीका है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के व्यक्ति को भी साथ में लेकर खड़ा करना, उसको काम में लगाना, उसको साथ में जोड़ना, चाहे वो एकल विद्यालय, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम हो, वो इलाका हो, आखिर वहां के लोग एजिटेट है तब तो जाके मिशनरी परेशान है ना। वो लोगों के मन में विचार कैसे डाला, भाई तुम्हारे इंडिजिनस फेथ कुछ है, तुम उसको मनाओ, तुम अपनी स्वतंत्रता को मनाओ, अपनी सांस्कृतिक तुम्हारी जो विरासत है उसको मनाओ, तुम अगर पूजा पद्धति बदल तो भी तुम देश के विचार मत बदलो। ये सारा जो सोच दिया वो बिना इंटेलेक्चुअल थॉट के तो नहीं दिया होगा ना। हम जमीन पे जो लोग बैठे उनको समझते हैं, उनको जो चीज समझ में आ सकते हैं वही तरीके से चीज रखते हैं। हम उस हाई इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें नहीं करते, नहीं, वो भी करनी पड़ेगी, फ्रेमवर्क्स बनाना, ये थोड़ा मॉडर्न हो सकता है ना। आप आइए, आप बोलिए, मैं भी संघ के साथ में सहयोग करने को तैयार हूं, संघ वो भी लेगा। सी ऑल सडन संघ बहुत बड़ा है लेकिन लोग हमेशा कम होते हैं काम करने वाले। एक आप मास देखते हैं जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो लीडरशिप का रोल निभा रहा है, इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी बड़ी मजेदार बात है कि 1925 से लेकर आज तक कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। आप सोचिए इतने ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए, हजारों ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए, सब जगह आदमी लगे हुए हैं, सब जगह नए लोग जुड़े हुए हैं, तो उन व्यक्तियों के पास काम है, उनके पास समय नहीं है और सभी लोग अपना काम करते हुए कर रहे हैं, कोई पेड आदमी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। मैं भी काम छोड़ के आपके पास, बिल्कुल सभी लोग ऐसे ही हैं। तो अगर ऐसा काम हम कर रहे हैं तो वो मैन पावर की कमी रहेगी और मैन पावर की कमी आप जैसे लोग हमको सपोर्ट करके पूरी कर सकते हैं अपना काम करते हुए बिना संघ में आए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई मस्ट मेक यू वेयर खाकी यूनिफॉर्म, यू कैन डू योर वर्क बट यू कैन स्टिल से कि इसके अंदर मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ।
और संघ आपका सेवक कर सकता है। एक व्यक्ति आपसे निकला, बहुत दुखी था, बोला कि मैंने इतना इतना घटिया स्वरूप देख लिया उसके अंदर, इतने मैंने ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस देख लिया, मुझे कुछ करना है। मैंने कहा आप करिए, आप अपनी सोच लगाइए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप संघ के साथ आइए, आप काम करिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो जहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। संघ ने कोई ठेका नहीं लिया, संघ ये कहता है सात्विक फोर्सेस को सपोर्ट करना है, कभी भी किसी को ओवरवेल्म करने की कोशिश नहीं की है, हमेशा ये कहा है कि आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ में लगेंगे, आप अपना काम करिए। ये हिंदुओं की खासियत है, हम किसी को डाइजेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी साथ में जुड़े उसको साथ में लेने को तैयार है। कोई हमको कहता है कि आप नालायक हो, आपको वक्त दिखाएंगे, हम उसको भी तैयार है। कोई कहता है कि काम नहीं आता, हम करके दिखाएंगे, हम उसके लिए भी तैयार है। हम विनम्रता से जो हमसे आता है हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं शिक्षा पद्धति के ऊपर। अभी तक हमारी हिस्ट्री बुक्स रियली बैडली नीड टू बी रीरिटन, और पांच साल नो डिफेंस सरकार नो डिफेंस। चार साल पहले देखिए, इतिहास संकलन समिति 1960 या 65 में बनी थी, तब से संघ उस पर काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी कम पड़ रहा है, काम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसको कहीं भी एडॉप्ट करने वाली कोई सरकार नहीं थी। आज वो सरकार है, आज नहीं तो कल अडॉप्ट करेगी, हम ये मानते हैं कि अगले टर्म में करेगी, लेकिन करना तो पड़ेगा, तो दिक्कत और रिसोर्सेज करने पड़ेंगे। और खाली हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं समाज के अंदर, हिस्टोरियन है, ह्यूमैनिटीज के अंदर काम करते हैं, जिनका बहुत कुछ है, बहुत हाई स्किल्स है, बहुत नॉलेज है, उनको एंकरेजमेंट मिलती नहीं है, उनको स्थान मिलता नहीं, उनको स्थान दिलाना। ये एक और कमी है कि लेफ्टिस्ट का पूरा नेटवर्क जो भी अगर आएगा उसको पूरी बैकिंग मिलती है, देखिए, मगर संघ में ऐसा मैंने सुना है कि बैकिंग नहीं मिलती और इंटेलेक्चुअल्स अपने आप अपनी रोजी रोटी कमाने चले जाते हैं। 70 साल से मिशनरियों को, तो 150 साल से कम्युनिस्टों को 70 साल से पूरा पाला पोसा गया, सारे उनको रिसोर्सेज दिए गए, हर तरह की फैसिलिटी दी गई, 70 साल तक हमें ब्रेन वॉश करते रहे, समाज ब्रेन वॉश नहीं हुआ, लेकिन उनको पूरा सत्ता का जड़ तक घुसे हुए, उसको हटाना इतना आसान नहीं है। मगर वो काम अब शुरू है, जब गवर्नमेंट में अपनी हेड रिप्लेस कर दीजिए, आपके जैसा सृजन ट्रस्ट, आपके जैसे और काम करने वाले लोग, कोई राजीव मल्होत्रा, इनको काम शुरू किया 10 साल 15 साल हुए, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट, आर एंट्रेंच्ड फॉर लास्ट 70 इयर्स, एंड हैट्स ऑफ टू देम, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, रिसर्च है अपने हिसाब से, जो भी किया, अभी उसके सामने आपको पैरेलल रिसर्च वर्क खड़ा करना है, आपके सामने फ्रेमवर्क खड़ा करना है, आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि सरकार ने आपको पैसे दिए, सरकार जो बोलेगी आप करेंगे, ये तो संघ वाला आप जैसा कोई भी करेगा नहीं, बोलेगा ठीक है आप मेरे को पैसे दे, मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, ये होगा, लेकिन बदल धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप एक 70 साल पुराने नेटवर्क से लड़ रहे हैं। आज वो एक लेटर निकालते हैं, उनको रातों रात 200 लोग साइन करके दे देते हैं, आप देखिए सामने से भी सिग्नेचर आने लग गए, आज से 2 साल पहले नहीं आते थे। IIT में हमारे यहाँ पर एक वो कम्युनिस्ट ग्रुप ने एक पैम्फलेट निकाल दिया इंटॉलरेंस का, वहाँ के जो नेशनलिस्ट जो प्रोफेसर बड़े दुखी हो गए, देखो जी पैम्फलेट आ गया, मैंने कहा आपके चुप बैठे आप निकालो। तो वहाँ पर 130 लोगों के नाम, कुछ 180 लोगों के नाम निकले जो उनके विचारों के थे, सिग्नेचर करते करते 130 लोगों ने सिग्नेचर किए, आज भी वहाँ पर लेफ्टिस्ट लोगों का बोलबाला है। तो इसको निकालने में समय जाएगा, आप फोर्सफुली तो नहीं निकाल सकते, सामने काउंटर आपको उतने टैलेंटेड लोग खड़े करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को ऐसे लोग मिलने चाहिए, ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए, और इतना बड़ा जो जड़ बड़ा निकाल के बैठे वो जाएंगे। तो आप मेरे को बताइए, ऐसे लोग मोदी के अगेंस्ट जी होंगे ना, उनको आज तक रिकॉग्निशन को मिला ना, करके सारी 200 इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हेड रिप्लेस कर दीजिए। सी ये अग्रेशन आरएसएस में क्यों नहीं है, आरएसएस कमल बीजेपी, बट एक ही बात, मतलब एक्सटेंशन है, प्रेशर डालिए, अब कमलनाथ जैसे आए विद इन 1 वीक सारे आईएएस ऑफिसर्स चेंज हो गए। मैं भी प्रेशर करता हूं, सब री मैं भी करता हूं प्रेशर। एक ही हिंदू समाज का इनहेरेंट एक प्रॉब्लम है कि हम रूल नहीं तोड़ेंगे, अगर ये व्यक्ति बैठा है गद्दी पे, इसको 5 साल का इसका जो है लिमिट, ये 2019 से पूरी होगी तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि धर्म नहीं है ये। तो हमारे यहाँ धर्म की कल्पना है कि हमने कानून नहीं तोड़ना, हमें नहीं करना, अच्छी बात है, मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन कहाँ इसको रोकना ये मुझे नहीं पता, मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, तो मुझे करना होता तो बीजेपी में होता मैं। लेकिन ये बात पक्का है कि ये हम कानून नहीं तोड़ेंगे, जो जिस यहाँ पर बैठा उसका टर्म पूरा होने देंगे, ये तो बीजेपी ने हर बार किया है और उसके कारण उसको नुकसान भी हुआ है। RBI का गवर्नर उनका अगेंस्ट था, उसने गोल्ड कंट्रोल का लॉ लाया, अधार्मिक बात है, राजन ने इलेक्शन हारने के बाद गोल्ड का एक नया लॉ लाया, ये पता था बीजेपी गवर्नर के, फिर भी उसको पूरा टर्म पूरा करने दिया। ऐसा क्यों करते हैं, ये तो ऑलमोस्ट पृथ्वीराज सिंड्रोम है एक तरह से। और जबकि शिवाजी महाराज का अभी मैंने एक इंसिडेंट सुना, गोवा में उन्होंने पोर्चुगीज के ऊपर अटैक किया तो वहां पर जाके 2 पादरियों को बोला कि यू रिकन्वर्ट, उन्होंने मना कर दिया, ही बिहेडेड,
दिस इज द फॉरेस्ट दैट द अन्याय के सामने नहीं झुकना, अन्याय के सामने जवाब देना, ऐसा ही मानते हैं ना कि एक तो राम का मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम का हमको सबूत दिया जाता है, हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, और वो राम मंदिर तो देखो राम भी होते तो राम मंदिर नहीं मांगते हो कि आते हो मुस्लिम मंदिर है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दुहाई देके हमको मंदिर मत बना ऐसा बोलते हैं, लेकिन दूसरे कृष्ण की नीति भी है जिसने हर तरह का नियम तोड़ा जी, हर तरह का नियम तोड़ा महाभारत में, अगर आप नियम से जाएंगे तो कृष्ण ज्यादा नियम किसी ने तोड़े उस समय के, लेकिन धर्म की जीत के लिए करना था, लेकिन मैं इसको आप बोलेंगे कल को बोल देगा जी क्रिटिसाइज किया बीजेपी को, ऐसा नहीं है, जो जहां बैठा उसको पता हो क्या कर रहा है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जो जगह पे बैठा है उसको किस कारण से वो कर रहा है उसको आपने पूछना चाहिए, तो अगर कोई उसको प्रूव कर सकता है कि दिस वाज द रीजन व्हाई डिड लाइक दिस तो यू हैव टू कॉल अ बीजेपी पर्सन नॉट अ आरएसएस पर्सन टू रिस्पॉन्ड फॉर हिम। यहाँ बैठे जितने लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के अंदर काम भी किया इनको ही पता है नियम तोड़ने में कभी बीजेपी ने आज नहीं 2004 में भी नियम नहीं तोड़े थे, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट कहीं भी उन्होंने कानून तोड़ के या सो कॉल्ड धर्म जो जो विद इन दोस फ्रेमवर्क है उसको तोड़ के नहीं उस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश की, व्यक्ति से काम कराने की कोशिश की, है माध्यम उनका काम करने का तरीका है, कई जगह सक्सेसफुल होते हैं, मोदी जी ने उन्हीं ब्यूरोक्रेट से इतने बड़े काम करवा लिए, गडकरी ने जो वही ब्यूरोक्रेट से उनसे इतने बड़े काम करवा लिए, सो दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, सो आई कैन नॉट अस्यूम के जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है बाहर बैठ के जो आप बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात पक्की है कि आप अगर सोचे कि बीजेपी संघ गवर्नमेंट चला रहा है बिल्कुल गलत है, संघ एडवाइस कर सकता है, संघ आपको राय दे सकता है, राय सुनना नहीं सुनना उनके वो उनके वर्क के पैरामीटर्स में आता है, बीजेपी कैसे काम करेगी ये बताने वाला आरएसएस कोई नहीं है, आरएसएस ने इलेक्शन लड़ना नहीं है, जिसने लड़ना है जिसने गवर्नमेंट चलानी है उसका काम है, हम केवल एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने दायरे हैं जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं और उसके अंदर केवल राय दे सकते हैं, और हम बाद में क्रिटिसाइज करें उन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना, मैंने आपको इसलिए मध्यप्रदेश का उदाहरण दिया जी कि मैंने उस समय हालांकि मैं तब कोई संघ में सीनियर व्यक्ति नहीं था, लेकिन मेरा क्लियरली मानना है जो जिस बात में एक्सपर्ट है उसने करना चाहिए, कल को अगर मैं बीजेपी में गया फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रियली आई विल रीलर्न सो मेनी थिंग्स एंड विदाउट लर्निंग आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल नॉट कैरी माई आर एस एस ऑन माई शोल्डर की ये तरीका मुझे मैंने बताया था चाका के अंदर, मैं तो सारा तहस नहस करके नया मॉडल खड़ा कर दूंगा, मुझे सीखना पड़ेगा उनका तौर तरीका, मुझे वहाँ के नियम सीखने पड़ेंगे उसके हिसाब से रास्ते निकालने पड़ेंगे, वही आई एस ऑफिसर था उसने वही कानून यूज करके सारा नक्शा बदल दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं रोकता है, लाइक यू सेड कि हमने एक सोच के रखा है कि ये दायरे में काम करना है, कभी वो अच्छा होगा कभी गलत होगा, बट दैट ओनली दे कैन डिसाइड, आपको 2019 से पता चलेगा अगर उनका काम करने का तरीका पसंद आया तो लोग दोबारा वोट देंगे 100 दिन के अंदर, हम बहुत कुछ करेंगे, चलिए इसके साथ एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।